बट अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो अंत भला हुआ है तो सब कुछ भूल गए और बस अभी चलते हैं घर। एक मिनट सोए पर है। बढ़िया बढ़िया। दीपिका कक्कर शुएब इब्राहिम की बात की जाए तो फाइनली तौर पर आईसीयू से इनका बेटा यानी कि इनका बेबी बॉय इस टाइम पर डिस्चार्ज होकर ये खुद भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। खैर इनके डिस्चार्ज होने की वीडियो के साथ साथ इनका घर में ग्रैंड वेलकम जो कि हुआ आपको दिखाएंगे एक एक वीडियो एक एक पिक्चर। इनका बहुत बड़ा स्वागत इनके बहुत घर को पूरे मुकम्मल तरीके से सजा कर किया गया। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। बताते चलें यहीं पर आपको दीपिका कक्कर के बारे में, शुएब इब्राहिम के बारे में। तो इनकी ड्यू डेट जुलाई के एंड पर थी बेबी बॉय के पैदा होने की, लेकिन खैर कुछ प्रीमेच्योर वजह से डिलीवरी होने की वजह से इनका बेबी 21 जून को इस दुनिया में आ गया और उसको प्रीमेच्योर होने की वजह से आईसीयू में रखा गया। लेकिन खैर उसकी बहुत अच्छी जिस तरीके से ग्रोथ हुई फाइनली तौर पर उनको आईसीयू से डिस्चार्ज किया, ये बात खुद फैंस के साथ बहुत खुश होकर शुएब इब्राहिम ने बताई और फाइनली तौर पर ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हुए देखा गया। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे जबकि दीपिका कक्कर बार बार पपराजी से कह रही थी कि चुप हो जाए मेरा बेटा सो रहा है। और यही एक कंसर्निंग माँ होती है, जो कि माँ बनने के बाद आपके अंदर एक ममता आ जाती है। खैर उसके बाद भी बताते चले तो इस टाइम पर उनका घर में ग्रैंड वेलकम किया गया। जिस खूबसूरत अंदाज में उनको ग्रैंड वेलकम दिया गया, फैंस का कहना है कि इतने दिनों बाद जब कोई घर जाता है तो वाकई एक बेबी बॉय के साथ एक न्यू बॉर्न के साथ इतना वेलकम तो बनता है।